नमस्कार, आप सबका स्वागत है हॉलीवुड न्यूज में। मैं हूं ललिता और लेकर आई हूं हॉलीवुड की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तराखंड की युवा गायिका शगुन उनियाल यूं तो सबकी चहेती हैं, भले ही उम्र में कम हो लेकिन हौसले बुलंद हैं। शगुन उनियाल ने कई गढ़वाली गीतों को आवाज दी है और साथ ही कई मंचों पर प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल भी जीता है। हाल ही में शगुन उनियाल और राकेश बर्तुआल ने विदाई पर आधारित गीत डोली सजगे को आवाज दी है। इस गीत की रचना राकेश बर्तवाल ने ही की है और विनोद पांडे ने इसे संगीत से सजाया है और वीडियो का फिल्मांकन दीपक सिंह ने किया है। आपको बता दें कि हिंदू परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है। वहीं इस गीत में एक पिता और बेटी के बीच के संवाद को दर्शाया गया है। जब एक बेटी घर से विदा होती है तो वो अपने और पराए सबको रुला देती है। तो आप भी फटाफट से YouTube पर इस गीत को सुनिए। उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक वीरेंद्र सिंह राजपूत का नया गढ़वाली गीत सुरमा घसीला रिलीज हो गया है। यूं तो लोक गायक वीरेंद्र प्रेम, प्रकृति और करुणा हर विदा पर आधारित गीत गाते हैं। इनके गीतों की खास बात ये होती है कि इनकी रचनाएं स्वरचित होती हैं। वीरेंद्र पेशे से शिक्षक हैं और लगातार 2 दशकों से भी अधिक समय से लोक संगीत के प्रति समर्पित भी हैं। वीडियो को नवीन बर्तवाल ने फिल्माया और संपादित किया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध संगीतकार रंजीत सिंह के संगीत और वीरेंद्र राजपूत की गायकी का अनमोल मेल इस गीत में देखने को मिल रहा है। तो वहीं सुरमा घसीला गीत प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अगर आपने अभी तक इस गीत को नहीं सुना है तो फटाफट से YouTube पर सुन सकते हैं। कुमाऊनी लोक गायक स्वर्गीय पप्पू कार्की का डीडी हाटे की छमना छुड़ी गीत तो आपने सुना ही होगा। अब इसका गढ़वाली वर्जन भी तैयार हो गया है। गौचर के युवा गायक मनोज बिष्ट ने सुमना छोरी गाकर स्वर्गीय पप्पू दा की यादें ताजा कर दी है। देवराड़ी प्रोडक्शन हाउस से इस गीत को रिलीज किया गया है। इस गीत को मनोज बिष्ट ने ही लिखा है और रवि थपलियाल ने अपने संगीत से सजाया है। वीडियो में मनीषा सुष्मिता के साथ साथ मनोज बिष्ट भी गीत का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का निर्देशन शिव कुमार ने किया है, देवेंद्र नेगी ने कैमरा वर्क किया है और आशु कपूरवान ने इस गीत को संपादित किया है। आपको बता दें कि सुमना छोरी गीत को गढ़वाली शब्दों के मिश्रण से तैयार किया गया है, लेकिन इसकी धुन को डीडी हाटक की छमना छोरी गीत की तर्ज पर ही रखा गया है। अब देखना ये होगा कि दर्शकों को ये वह गढ़वाली गीत कितना पसंद आता है। उत्तराखंड संगीत जगत में इन दिनों युवा अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं, जिनमें से सूर्यपाल श्रीवाण जो अपने प्रेम प्रसंग गीतों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनीशा रांगण हिट क्वीन मानी जाती है। हाल ही में सूर्यपाल श्रीवाण और अनीशा रांगण की आवाज में वीडियो गीत पिंक प्लाजो रिलीज हो गया है। गीत को शैलेंद्र शैलू ने अपने संगीत से सजाया है। वहीं गीत में रैप का तड़का रास टाइगर ने लगाया है और साथ ही मिक्सिंग मास्टरिंग का काम ए वायरस ने संभाला है। वीडियो का निर्देशन अजय भारती ने किया है और इसका फिल्मांकन यूवी नेगी ने किया है। साथ ही कोरियोग्राफी का काम सीमा भारती ने संभाला है। वीडियो में प्राची पवार और सुनील गरवान की जोड़ी मुख्य भूमिका में नजर आई। बात करें अभिनय की तो कई जगहों पर एक्टर और एक्ट्रेस के एक्सप्रेशंस में खासा कमी देखने को मिल रही है। वहीं कोरियोग्राफी में भी काफी कमी नजर आई, जहां कलाकारों के डांस मूव्स मैच ही नहीं हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सूर्यपाल के और गीतों की तरह ये गीत भी हिट होता है या नहीं। उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक साहब सिंह रमोला पिछले महीने कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने काम पर भी लौट चुके हैं। हाल ही में साहब सिंह रमोला ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के साथ शूटिंग की जानकारी साझा की और साथ ही पोस्ट में 4 गीतों के वीडियो का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने गीतों का खुलासा नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि साहब सिंह रमोला अपने फैंस के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी हॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक हॉलीवुड न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।